वेलकम बैक टू नीतूज वेजी किचन। नीतूज वेजी किचन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं बनाऊंगी चंबा का चुख। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, सादे खाने में भी जान डाल देती है ये रेसिपी। इसे आप चटनी कह सकते हैं, अचार कह सकते हैं। ये बेसिकली हरी मिर्च से तैयार होती है और हिमाचल की फेमस डिश है। तो आइए झटपट बनाते हैं इस रेसिपी को फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम के लगभग अदरक। अदरक फ्रेश है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, सारा इसका छिलका हटा दिया है मैंने। और इसे पंखे के नीचे सूखने के लिए मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहो तो इसे धूप में भी एक दिन रख सकते हो। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन। लहसुन को भी अच्छे से मैंने छील लिया, छीलने के बाद उसको पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने 100 ग्राम के लगभग हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च तीखी वाली है, आप नॉर्मल मिर्च ले रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जो कम तीखी हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इन सबको अच्छे से वॉश कर ले और हो सके तो आप इसको धूप में सुखा दें एक दिन के लिए। अगर धूप में नहीं सुखा सकते तो पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया एक मिक्सी का जार, इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन। इसका हमको एक कोर्स सा पेस्ट तैयार करना है, दरदरा सा कूटना है इसे हमें, तो इसलिए हम मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें अदरक भी डाल दिया है। अब बिना पानी डाले इसे हमने पल्स मोड पे चलाया और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एक दरदरा यानी कोर्स सा पेस्ट तैयार हो गया है। हमको ऐसा ही पेस्ट चाहिए। आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी क्रश कर सकते हैं यानी कूट सकते हैं और दरदरा सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में मैं हरी मिर्ची को भी डाल दूंगी और इसका भी हम एक दरदरा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे हम, मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएंगे और ये देखिए हमारा दरदरा सा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, जब भी आप मिर्ची पीसते हैं तो आप एकदम मिक्सी का ढक्कन जो है बिल्कुल मत हटाइए, नहीं तो क्या होता है जो उसकी स्मेल होती है ना मिर्ची की तीखेपन वाली, वो नाक में चढ़ जाती है, हमें छींकने लग जाती है, खांसी आने लग जाती है। तो इसलिए आप 2 मिनट रुक करके इसको ढक्कन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए है एक कढ़ाई। कढ़ाई आप भारी तले के लिए यानी हैवी बॉटम की चाहिए हमें। और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लें, इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप के लगभग सरसों का तेल। सरसों का तेल ही यूज करें, इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच लगभग हींग और साथ ही साथ डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। बहुत ही थोड़ा सा डालना है, जीरा यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। अब हमने जो पेस्ट रेडी किया है ना अदरक और लहसुन का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि ये पेस्ट एकदम चिपकने लग जाता है कढ़ाई में तले में, तो इसीलिए हमें ना भारी तले का बर्तन चाहिए और साथ ही साथ गैस की फ्लेम का भी हमें ध्यान रखना है। और फ्रेंड, जैसे ही आप इस पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे ना 2 से 3 मिनट के भुनने के बाद ही ना पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी और बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू आती है। ये धीरे धीरे 4 से 5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे यहाँ पर हम, और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पहले अच्छे से कंटिन्यू पका लेंगे यानी अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे यानी बीच बीच में हिलाते रहेंगे जब तक ये जो पेस्ट है ये ऑयल रिलीज करना ना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ 4 से 5 मिनट तक हो गए हैं हमें इसे भूनते हुए और गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है। ये अगर कढ़ाई के तले में चिपकता है तो आप इसे करछी से या स्पैटुला की हेल्प से हल्का हल्का स्क्रैच करें और निकाल लें। ये बिल्कुल थोड़ी देर बाद चिपकना बंद हो जाएगा क्योंकि ये पकने लग जाएगा, क्योंकि कच्चा होता है तभी ये कढ़ाई में चिपकता है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग यानी 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमको ज़्यादा नहीं डालना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर और 1 चम्मच के लगभग ही कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप सरसों का तेल और ऐड करेंगे। तो सरसों के तेल को आप अलग से गरम कर लें और गरम करके ठंडा कर लें, उसके बाद इस मसाले में डाल दें। तो या तो आप स्टार्टिंग में ही 1 कप सरसों का तेल गरम कर लें और उसे आधा आधा कर लें, एक डिवाइड कर लें, एक बार में पूरा ऑयल इसमें ना डालें। ऑयल डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लें और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लें। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, ये देखिए ऑयल इसमें रिलीज होने लग गया है। अब हम इसका एक मसाला रेडी करते हैं, अचार का स्पेशल मसाला। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप एक पैन ले लें। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 2 चम्मच के लगभग मोटी वाली सौंफ, 2 चम्मच के लगभग ही डाल देंगे हम यहाँ पे जीरा,
दो चम्मच ही डालेंगे राई, जो लाल वाली राई होती है, सरसों जिसे कहते हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच के लगभग ही कलौंजी के बीज, जिसे ऑनियन सीड भी कहते हैं, या अचार में पड़ता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, इन मसालों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। जार में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पल्स मोड पे चलाएंगे और दरदरा साइज का एक पाउडर रेडी कर लेंगे। अब इस पाउडर को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल दूंगी, जो हमने चटनी बना रहे हैं ना, इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक बड़ा चम्मच भर के, और बस इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मसाले ऑलरेडी हमारे पके हुए थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डालूंगी नमक, नमक एक बड़े चम्मच के लगभग मैं यहाँ भर के डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। नमक डालने के बाद 2 मिनट तक इसे अच्छे से पका लें, और इसके बाद अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से वेट करेंगे, जब ये ठंडा हो जाए यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाए हल्का सा, तब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी इसमें 1 चम्मच भर के वाइट विनेगर, यानी सफ़ेद सिरका, जो चाउमीन वगैरह में यूज़ होती है, वही वाला सिरका हमें यहाँ पर डालना है। इसको डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जो भी आप अचार चटनी बना रहे हैं ना, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो बस इसे अच्छे से कर दें मिक्स, और इसे प्रॉपर अच्छे से ठंडा हो जाने दें, बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे स्टोर करते हैं। स्टोर करना है, कैसे आपको इसको रखना है फ्रेंड्स, इसको स्टोर करने के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसे कांच के जार में स्टोर करें, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके पास कांच का जार अवेलेबल नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक के जार में इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट। मेरे पास यहाँ कांच का जार था, इसे अच्छे से वॉश कर लिया, धूप में दिखा दिया, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है, ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसमें ये जो चुक हमने रेडी करी है, ये मैं इसमें स्टोर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली है, आपको रेसिपी कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।